आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस तरीके की कन्फ्यूजन हो चुकी है कि भाई हमें आज की डेट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो क्या प्राइस नीचे आ जाएगा, या फिर सेलर को भी एक फियर पैदा हो चुका है उसके अंदर भी कि भाई ऐसा ना हो कि मैं आज यहाँ पर सेल कर दूँ प्लॉट को और कल को काफ़ी ज़्यादा रेट हो जाए, या फिर एयरपोर्ट स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। सर, आप लोगों के बीच में काफ़ी सारी ऐसी कन्फ्यूजन, जिस तरीके के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे और फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे कि आज की डेट में हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, कम बजट भी होना चाहिए और एक सही इन्वेस्टमेंट हो जाए तो जो कि आने वाले 4 से 5 साल, अगर हम 5 साल भी होल्ड करते हैं तो उस प्रॉपर्टी के अंदर किस तरीके का एप्रिसिएशन यहाँ पे मिल सकता है। सो यार, आज की वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यमुना एक्सप्रेस वे और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देता रहता हूँ, नई नई जानकारी आपको देता हूँ और यहाँ पर किस तरीके का सिनेरियो रहता है मार्केट को लेकर के, वो सारी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। वैसे मेरे एक ऑप्शनल एक पर्सनल चैनल भी है जिसके पर मैं अभी वीडियो डालना स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा है कि एक चीज़ अगर बैकअप में रहे, कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चैनल की रैंकिंग भी डाउन हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप तक वो वीडियो पहुँच नहीं पाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहते भी थे काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल रहे, लेकिन अपनी वीडियो जो रेगुलर जा रही है उन लोगों को उसकी भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो होप सो कि आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस करके बेल आइकन ऑन कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल पाएगी। बाकी काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि हम आज की डेट में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि देखिए अभी क्या है एक सैचुरेशन पैदा हो चुकी है दोनों ही बायर के बीच में भी और सेलर के बीच में भी। अब सेलर तो ये सोच रहा है कि भाई मैं अभी इन्वेस्ट अपना प्लॉट सेल ना करूं, क्योंकि जितना भी अभी तक उसने प्रॉफिट किया है हो सकता है उससे, एक तो फियर ये भी है कि हो सकता है इससे अगर डाउन चला गया तो मेरा जो आज का जो प्रॉफिट है वो जो अभी मुझे मिल रहा है वो भी अभी यहां से नहीं मिलेगा, हो सकता है कि लॉस में चला जाऊं मैं, या फिर बायर जो वो ये सोच रहा है कि भाई आज मैं अगर 2 करोड़ रुपए की कोई भी चीज प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहा हूं, 2 करोड़ रुपए का ऐसा ना हो कि वो 1.5 करोड़ रुपए पा जाए, या फिर यहां पे मार्केट में जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है स्कीम पे स्कीम जिस तरीके की अथॉरिटी के आने वाली है और आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ नेगेटिव कम जो आर्टिकल है उनको पढ़ के आपको बताया जाता है कि भाई इतना स्कीम आने वाली है, इतने प्लॉटों की स्कीम आने वाली है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर एक सैचुरेशन पैदा करने के लिए किया जाता है। बाकी अगर मैं ऑनेस्टली आपको सारी चीज़ें मार्केट का पूरा सिनेरियो अगर मैं बताऊं तो आज की डेट में सैचुरेशन तो है, लेकिन आप ये मत सोचिए जो भी बायर हैं जो आज की डेट में अपना इन्वेस्टमेंट 1 रुपये का 2 रुपये का जिस भी बजट के अंदर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो डेफिनेटली अभी इस करंटली टाइम के अंदर आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया पीक टाइम है। इस टाइम पर कन्फ्यूजन भी रहती है तो सेलर एंड उसके बीच में, तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी वो एकदम परफेक्टली प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस तरीके से जैसे आने वाला अब अकेला ही कोई ऐसी एयरपोर्ट ही नहीं है कि यहाँ पर एयरपोर्ट ही एक वजह है कि यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है और प्रॉपर्टी जो काफ़ी अप्रिसिएट करेगी, तो अकेला एयरपोर्ट की रीज़न नहीं है, आसपास का जो इंडस्ट्री एरिया है, एजुकेशन एरिया है और फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक आप यहाँ पर देख रहे हैं, आसपास एजुकेशन ऑलरेडी यहाँ पर फंक्शनल हो चुके हैं, जैसे गलगोटी यूनिवर्सिटी है, एक लॉयड यूनिवर्सिटी और बनने वाली है, JBM यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी काम चल रहा है, तो एक एजुकेशन सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, तो काफ़ी एक इस शहर को जो चीज़ चाहिए ना वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है ये आसपास का जो पूरा डेवलपमेंट है। तो आने वाले टाइम में आपको मैक्सिमम 5 साल भी अगर आप आज की डेट में चाहे वो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी है आप उसको इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो आज 2 रुपये भी तो आपको अप्रोक्स कम से कम 4-4.5 रुपये की मैं श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि 5 साल के अंदर आपकी जो 2 रुपये की चीज़ है वो 4-4.5 रुपये तक आराम से इजीली पहुंच जाएगी, क्योंकि आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। अभी आपको हो सकता है जंगल लग रहा होगा, बहुत सारे मुझे नेगेटिव कमेंट भी आते हैं कि भाई तेरे कहने से, मैं उनको सब्सक्राइबर को जवाब भी देना चाहूंगा इसी के माध्यम से, मुझे सही टाइम पर याद आइए कि भाई उन्होंने कमेंट किया था कि तेरे चक्कर में आकर और इस जंगल में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करें या प्लॉट खरीद लें, तो भाई उससे मेरा कहना है कि देखो हर किसी के बस की बात भी नहीं है, आज की डेट में जो आपको जंगल दिख रहा है ना वो एकदम गोल्ड माइन की तरह साबित होने वाला है आने वाले 5-10 साल के अंदर, तो आप इन्वेस्टमेंट NCR के अंदर कहीं भी कर लेना, लेकिन यमुना से ज़्यादा रिटर्न आप कभी भी नहीं ले पाओगे किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप हर तरीके के लोग हैं, आप नेगेटिव भी कमेंट करते हो पॉजिटिव कमेंट करते हो, लेकिन मैं मुझे खुशी है कि आप एटलीस्ट कमेंट तो करते हो। तो मेरा भाई आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके बजट में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आ रही है तो आप आबादी में जा सकते हैं, एडिशनल ऑप्शन है गोरियमना सिटी है, एस का है, ATS ग्रुप का है और ग्रैंड ओसिस का एक प्रोजेक्ट है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिल्डर के उसमें जा सकते हो जो सेफ भी है,
उसमें ना को तो बिल्डोजर चलने का खतरा है और ना ही कोई अननेस्टेड चीज है जिसमें आपको बाद में परचेसन कोई मिलेगा ही नहीं। हाँ एक ही चीज भी इसमें ये हो जाती है, बहुत सारे अपने ऐसे सब्सक्राइबर भी है, इनफैक्ट मैंने काफी सारे ऐसे लोगों को मैंने जो किसान कोटा प्लॉट भी दिए थे अनरजिस्टर्ड। अब आगे सिनेरियो ये बन चुका है, जिस तरीके का रेट बढ़ रहे हैं ना उसी तरीके से किसान को भी लालच आना शुरू हो गया है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, या फिर आप बड़े साइज में तो बिल्कुल आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट ना लें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि किसान को लालच आएगा ही डेफिनेटली जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है। बाकी छोटे साइज के अंदर छोटे किसान को इजीली कन्विंस किया जा सकता है, आप वो उसमें आप जा सकते हैं, चाहे आप किसी के भी थ्रू जा सकते हैं, वो डजंट मैटर। बाकी आज की वीडियो का मेन मोटिव मेरा यही था कि आपको ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आज का जो टाइम चल रहा है ना वो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट का टाइम है। आप चाहे आबादी प्लॉट परचेज करो, किसान कोटा परचेज करो, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बोथ कंडीशन अवेलेबल होंगी आज की डेट के अंदर। अगर आप, मैं ग्रेटर नोएडा की भी सिनेरियो की बात करूँ ना, तो आप ये चीज मानते हो कि भाई हमें बस यमुना के अंदर ही जाना चाहिए, यमुना से बिल्कुल लगा हुआ ग्रेटर नोएडा भी है। ग्रेटर नोएडा के अंदर भी आज की डेट में जो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी जो 6% रजिस्टर्ड प्लॉट है जो किसान कोटा वाले, आप उनके अंदर भी अगर आप जाओगे तो इजिली सेफ प्रॉपर्टी भी है और कॉमर्शियल एक्टिविटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको ये आज की डेट में मिल जाती है। एप्रोक्स आप मान के चले 55,000 से 60,000 रुपए स्क्वायर मीटर से स्टार्ट हो जाता है, जो कि 70-75 और 1,00,000 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से भी ग्रेटर नोएडा के अंदर आपको रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी मिलती है। तो आप सेफ और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के अंदर जाइए। दूसरा, अगर आपको यमुना के अंदर जाना है, कभी हमें बजट भी कहीं कम चाहिए और यमुना के अंदर ही चाहिए, तो या तो आप आबादी विलेज की जो लालडोरा प्रॉपर्टी होती है, लालडोरा के अंदर यानी अथॉरिटी की रेंज से बिल्कुल अंदर गाँव से एक लिमिट बन जाती है, चारों तरफ से एक सड़क बना देती है अथॉरिटी, जिसको हम लालडोरा भी कह सकते हैं, या फिर गाँव की भाषाई आप उसके अंदर लिमिट के अंदर वाली प्रॉपर्टी में आप परचेज करो, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल ना तो टूटने वाली है और एकदम सेफ प्रॉपर्टी हो, रजिस्ट्री मोटेशन उसका बिल्कुल साथ के साथ हो जाता है। तो आप वो प्रॉपर्टी पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब उसका फायदा क्या है, अगर आप आज की रेट में आबादी प्लॉट लेते हो तो या तो आप उसमें नीचे कमर्शियल बना के शॉप्स वगैरह बना के तुरंत ही रेंट पर दे सकते हैं, चाहे कोई पर्टिकुलर उसमें शॉप वगैरह डाल सकते हो या फिर कोई भी डेंटल क्लिनिक आप डाल सकते हो, क्योंकि आसपास एरिया जो है ना ऐसा नहीं है कि वो आपको सेक्टर के अंदर जंगल दिख रहा है तो वो जंगल ही है भाई, आसपास विलेजेस भी काफी बड़े बड़े हैं, आसपास सोसाइटी भी है, गोरे यूनिवर्सिटी भी है, ATS भी है, तो उनमें भी लोग रह रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उस जंगल के अंदर कोई रह नहीं रहे, तो सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होती आ रही हैं। तो आप आबादी का भी अगर आप आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो 5 साल के अंदर आपको कम से कम 2 गुना 3 गुना तो डेफिनेटली वो अप्रिसिएट करेगी करेगी प्रॉपर्टी। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये चीज कहूंगा कि जो भी आप प्रॉपर्टी आज की डेट में आप परचेज कर रहे हो, सकता है 5 साल बाद उसको सेल करने की सोचो, लेकिन मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पर्सनली व्यू से अगर मैं बताऊं, क्योंकि देखो मेरी खुद की आबादी मेरे नाम पर 2 बीघे के करीब मेरे गाँव के अंदर ही आबादी बची हुई है, जो उस टाइम पे मैंने आपको कई वीडियो में जिक्र किया है इस चीज का, जो 16-17 लाख रुपए उस टाइम अथॉरिटी दे रही थी, लेकिन आबादी में बच रहा हूँ, आज कम से कम 3.75 करोड़ रुपए का ऑफर आता है हमारे पास उसको परचेज करने के लिए लोगों का। तो आबादी की जो प्रॉपर्टी है ना वो डेफिनेटली ग्रो करती है, क्योंकि आसपास आप यही चीज मान के चलिए हर किसी का बजट नहीं है, आप जितने भी लोग मुझे देखते हो आप ऐसा तो है नहीं हर किसी का अथॉरिटी प्लॉट के अंदर जाने का बजट होगा 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए, 500, 300 और इसमें अगर 120 मीटर का भी देखोगे तो 120 मीटर का भी आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए की रेंज में मिल रहा है। तो आप आबादी प्लॉट के अंदर और या फिर प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए तो डेफिनेटली आप उसको रेंटल पर्पस के लिए काफी अच्छे से यूज कर पाओगे, जैसे एयरपोर्ट के आसपास का एरिया, तो आप इसमें आप कोई भी गोडाउन बना सकते हैं अपने, कोई भी स्टोरेज के लिए, कोई भी आप अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करना चाहते हो तो उसके अंदर बिजनेस सेटअप डाल सकते हैं, अपनी दुकानें बनाकर कोई भी, सपोज अगर आप हार्डवेयर फैक्ट्री, क्योंकि आने वाले टाइम में कम से कम 20 साल तक तो अप्रोक्स इसमें कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चलने वाला है। तो मेरे गांव के अंदर बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं जो मेरे साथ में पढ़ाई वगैरह भी करते थे, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं जिन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों ने इसी तरीके का अपने बिजनेस वहाँ पर सेटअप डाले हुए हैं अपनी अपनी आबादी के अंदर, जिन लोगों की बची हुई है रोड के पास में उन्होंने अपने सेटअप डाले हुए हैं, किसी ने रोड़ी बदरपुर सीमेंट वगैरह इसका स्टॉक डाल दिया, किसी ने अपना खिड़की दरवाजे वगैरह, मतलब जिसकी जो एक्सपर्टीज है ना वो उस हिसाब से बिजनेस कर रहा है। तो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा वर्क यहाँ पर आने वाला है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा वर्क का, तो आप जो भी आपकी एक्सपर्टीज है आप उस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप उस प्रॉपर्टी को यूज करिए, क्योंकि उसमें ज्यादा बेनिफिट आपको हो सकता है। आज आप 2 रुपए की चीज खरीद रहे हो, कल 2-5 साल बाद आप 2.5 रुपए 3 रुपए 4 रुपए की मैं उसको देके निकल जाओ, लेकिन आप रेंटल इनकम का मतलब समझ रहे हो, आप आसपास के सेक्टरों से घिरे हुए एरिए जो विलेज हैं इनके अंदर आप डेफिनेटली आप इसमें रेंटल इनकम काफी अच्छी कर सकते हो, होटल बना सकते हो, पीजी बना सकते हो, या फिर आप कोई भी अपना बिजनेस पर्टिकुलर कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको एयरपोर्ट के आसपास
के एरिया के अंदर, अगर आप रजिस्टर्ड में आप जाना चाहते हैं तो आबादी प्लॉट के अंदर जाइए सस्ते में, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली आज की डेट में जो अथॉरिटी का सर्किल रेट है इस बजट से स्टार्ट होता है। वो लोकेशन वाइज आपको 50-55 हज़ार रुपए गज तक का भी इस आसपास के गाँव के अंदर देखने को मिलेगा। और मोस्टली जो मैं वर्क करता हूँ वो आसपास के विलेज के अंदर इसीलिए करता हूँ क्योंकि अपनी पकड़ अच्छी है अपना, मैं एक दूसरे किसान को, लोगों को या फिर उनके बच्चों को डेफिनेटली जानता हूँ, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे आसपास के अपने गाँव के आसपास जितने भी विलेज पड़ते हैं उनमें काम करने में बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता है और एक अच्छी पकड़ भी रहती है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। सो दोस्तों बाकी 30 नवंबर से आपको यात्रियों के साथ एयरपोर्ट की उड़ाने यहाँ पे और एक ट्रायल शुरू होने वाला है जिसमें पूरे क्रू मेंबर होंगे और एयरपोर्ट के आसपास के जितने यहाँ पे यात्रियों के साथ जो टेस्टिंग है वो कम्प्लीटली चलने वाली है। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए अप्रैल 2025 में तो ये अप्रोक्स आपको फुली फंक्शनल एयरपोर्ट मिल जाएगा। फिर इंडस्ट्री कॉमर्शियल फ्लाइट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है क्योंकि ये कार्गो एयरपोर्ट है, तो आसपास का जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें भी इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनी जो फंक्शनल हो चुकी हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री के अंदर भी जाना चाहें ना, अगर आप सपोज करो इंडस्ट्री प्लॉट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके अंदर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ से ले सकते हैं। बाकी उसके बाद ऑप्शन आ जाता है एग्रीकल्चर लैंड, आज की डेट में आप एग्रीकल्चर भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो भी कंपनसेशन वाले यानी 2001-2 प्लान के अंदर एग्रीकल्चर में ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि 2031 वाला मास्टर प्लान होगा, 2041 वाला मास्टर प्लान होगा, इन दोनों प्लानों के अंदर आप एक्वायरमेंट के लिए भी आप एग्रीकल्चर लैंड में आप जा सकते हैं जिसमें आपको कंपनसेशन अच्छा खासा यमुना अथॉरिटी की तरफ से आपको मिलने वाला है जब भी वो एक्वायरमेंट होगी, चाहे वो 5 साल के अंदर हो, 3 साल के अंदर हो या मैक्सिमम 10 साल लग जाए, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि लॉस में जाएगी, डेफिनेटली आपको 2-3 गुना तो ये रिटर्न आपको यहाँ से 100% देगी क्योंकि आसपास का एरिया जो है ना वो धीरे धीरे एक्वायर हो रहा है, मथुरा वृंदावन इनफैक्ट अलीगढ़ के कुछ एरिया एक्वायर होना बाकी है, फिर उसके बाद बुलंदशहर तक का, तो ये इतना बड़ा लैंड बैंक की अथॉरिटी के पास जो जिसको एक्वायर करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी अथॉरिटी, तो उसमें आप अपना हिस्सेदारी आप इसमें कर सकते हैं जिसमें आपका जो पैसा है वो अच्छा खासा रेवेन्यू आपके लिए जनरेट कर सके। सो दोस्तों आई होप आज की वीडियो के अंदर आपको काफी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा कि देखिए मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, मैं कोई किसी भी कोई लिखित में नहीं बात कर सकता हूँ, जो मुझे एजम्पशन होती है क्योंकि मैं जब अपने गांव के आसपास फील्ड में वर्क करता हूँ तो मुझे ये सारी चीज जब एज्यूम करता हूँ ना कि कहाँ पर किस तरीके का इन्वेस्टर डाइवर्ट हो रहा है, कहाँ पर किस तरीके की प्रॉपर्टी की सेल परचेज ज्यादा हो रही है, तो मैं वो वाले ऑप्शन आपको ज्यादा बताता हूँ ताकि आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न आप यहाँ से कमा सको। आज की वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ क्लियर हो गया हो, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, अगर तुम्हारा भाई इसी तरीके से आपके लिए एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लाता रहेगा और एक अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट कराता रहेगा, बाकी अगर किसी को इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है तो भैया आ जाना प्लॉट पर बैठ के हुक्का पानी पी लेंगे, दो बातें हो जाएंगी, चाय कॉफ़ी हो जाएगी आपके साथ में, इतनी बहुत है मेरे लिए, तो आप आओ मेरे गाँव के अंदर बैठो, चीज़ों को समझो देखो उसके बाद अपना डिसीजन दो, कोई ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जाते ही विजिट करते या प्रॉपर्टी ले लोगे, पहले आके आप मिलो सारी चीज़ें देखो किस तरीके का माहौल है, फिर वहाँ का एनवायरनमेंट देखो किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आप आबादी के अंदर भी जाओगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।